मैं शगुफ्ता शेख नागेश करजगी ऑर्किड स्कूल चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों पिछली तासिका में हमने कक्षा 4 हिंदी पाठ्य पुस्तिका का पाठ क्रमांक 14 इस पाठ को हमने पढ़ा था प्रस्तुत जिसका नाम था भास्कराचार्य एक महान गणितज्ञ एवं अंतरिक्ष विज्ञानी। इस पाठ के हमने सारे प्रश्न उत्तर भी देखे थे। तो इस कक्षा 4 का हिंदी पाठ्य पुस्तिका का आज हम नया पाठ पढ़ने वाले हैं, पाठ क्रमांक 15 ओलंपिक खेल। प्रस्तुत पाठ में जो है खेल का महत्व हमें समझाएंगे कि किस तरह से खेल हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। खेल की वजह से हमारे शरीर में क्या होता है, हमारा मानसिक विकास किस तरह से होता है, हमारा शारीरिक विकास किस तरह से होता है, इसकी सारी महत्वपूर्ण जानकारी इस पाठ से हमें मिली है। प्रस्तुत पाठ में जो है दुनिया का सबसे बड़ा खेल ओलंपिक खेल, ये जो ओलंपिक खेल होता है जैसे अभी जैसे आईपीएल वगैरह जो वगैरह होते हैं, ये जो होता है जैसे इंडिया में ही होता है, मतलब इंडिया के सारे प्लेयर्स होते हैं लेकिन ये सिर्फ इंडिया में होता है। तो ये ओलंपिक खेल होता है ये पूरे दुनिया का खेल होता है, पूरे दुनिया के लोग मतलब पूरे दुनिया के देश के सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ये जो खेल होता है साल में सिर्फ चार साल में एक बार इस खेल का आयोजन किया जाता है। अब जैसे आईपीएल वगैरह होता है ये सिर्फ साल में एक बार होता है, मतलब साल में एक बार, हर साल में एक बार ये होता ही रहता है, लेकिन ओलंपिक खेल ये जो होता है चार साल में एक बार खेला जाता है। और इस खेल में सारे देशों का सहयोग होता है, सारे देश इसमें मतलब सारे देश के इसमें सहभाग होता है, सभी देश के खिलाड़ियों का इसमें सहभाग होता है। जो ओलंपिक खेल है इसका एक ध्वज है, इस ध्वज में होता है चार पांच एक गोल गोल है, जो पांच गोले हैं जो एक दूसरे में बुंदे हुए हैं, जिन पांच गोलों का भी बहुत महत्वपूर्ण मतलब कौन कौन से खंड इसमें शामिल है, ये सारे जो हमारे पांच खंड है ये पांच खंडों का कलर उसमें दिया गया है, उन रंगों के बारे में इसमें बताया गया है। तो चलिए इस पार्ट को हम पढ़ते हैं, पेज नंबर 92। आप भी इस पार्ट को ओपन कीजिए, पेज नंबर 92 ओलंपिक खेल, पाठ क्रमांक 15 ओलंपिक खेल। जैसे मैंने आपको बताया था कि ओलंपिक का जो ध्वज है ये ओलंपिक का ध्वज है, इसमें पांच गोले बताए गए, 1 2 3 4 5। इन पांचों ध्वज का जो ये कलर, अब ऐसा होगा कि इसको नीला ही कलर क्यों दिया, इसको काला ही कलर क्यों दिया, इसको लाल ही कलर क्यों दिया, यहाँ पे पर्पल कलर क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया, ऐसे बहुत सारे प्रश्न होंगे। तो ये जो ध्वज है इसका जो पार्श्वभूमि इसका मतलब इसका जो बैकग्राउंड है इसको व्हाइट रखा गया है, उसमें जो पांच गोले हैं ये पांच खंड दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं, ये पांच खंड दर्शाते हैं। तो उन खंडों के आधार पर इनका कलर दिया गया है। सबसे पहले हम जानेंगे कि खेल का महत्व क्यों खेलना चाहिए। आज के ऐसा होगा कि हमारे की जिंदगी में हम बहुत सारे जो खेल जो आउटडोर गेम होते हैं ये हमने अभी खेलना बंद कर दिया है। खेल भी दो प्रकार के होते हैं, आउटडोर एंड इंडोर। मतलब जो इंडोर गेम आजकल बहुत ज्यादा हो गए और ज्यादातर इंडोर गेम में आप तो ज्यादातर दिन भर मोबाइल पे ही रहते हैं, मोबाइल गेम जो इलेक्ट्रिक जो गेम होते हैं आप सारे यही खेल खेलते हैं, लेकिन इससे आपका शारीरिक विकास बिल्कुल नहीं होता। अगर आपका शारीरिक विकास मानसिक विकास सब कुछ करना है तो आपको आउटडोर गेम खेलना चाहिए। अब बोलोगे कि आउटडोर गेम में क्या क्या आएगा, जैसे फुटबॉल आएगा, क्रिकेट आएगा, जो चीज में आपके शरीर की मेहनत होती है ऐसे गेम को हमें खेलना चाहिए। अभी खेल का महत्व क्या है, खेल सभी के व्यस्त जीवन में विशेष रूप से विद्यार्थियों के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि पूरे दिन में कम से कम थोड़े से समय के लिए सभी को खेलों में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। अब जरूरी नहीं कि सिर्फ विद्यार्थी खेल खेले, अगर हमारा शरीर स्वस्थ रखना है तो हमें खेल खेलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे कोई उम्र वाला तो उसको दौड़ना चाहिए, कोई भी प्रकार का उसको क्रिया करते ही रहनी चाहिए। खेल बहुत ही आवश्यक है क्योंकि खेलों में नियमित रूप से शामिल होने वाले व्यक्ति के में यह शारीरिक और मानसिक तंदुरुस्ती लाता है। शारीरिक यानी मानसिक, शारीरिक मतलब फिजिकली, मानसिक यानी मेंटली। जिन व्यक्तियों की व्यस्त दिनचर्या होती है वे बहुत ही आसानी और शीघ्रता से थक जाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं एक सुकून और आराम का जीवन जीने के लिए हम सभी को स्वस्थ मस्तिष्क यानी माइंड, स्वस्थ मस्तिष्क और स्वस्थ शरीर की आवश्यकता होती है। जैसे यहाँ पे खेल का महत्व बताया गया है कि एक तंदुरुस्त एक फिजिकली फिट इंसान बनने के लिए हमारा शरीर भी अच्छा होना चाहिए और हमारा जो माइंड हमारा दिमाग भी अच्छा होना चाहिए। अगर हमारा शरीर अच्छा है दिमाग अच्छा नहीं तो दिमाग में वही बातें चलती चलती रहती है, तो हम मेंटली पीस नहीं होते, मेंटली हम शांत नहीं होते हैं,
एकदम एक सुकून नहीं मिलता है। अगर हमारे में सुकून है, अगर हम आराम करते हैं, तभी हम फिजिकली फिट रहेंगे। लेकिन फिजिकली और मेंटली फिट रहने के लिए आपको खेल भी खेलना चाहिए। अगर खेल खेलते तो क्या होता है, आपका जो शरीर का होता है वो कार्यरत बनता है, उसकी हलचल होती रहती है। अगर आप ऐसे ही एक ही जगह घंटों बैठे रहेंगे तो आपके शरीर में कोई भी हलचल नहीं होती, जिसकी वजह आपके शरीर पर दुष्परिणाम होना शुरू कर देता है। तो ये इंसान को ऐसा होता है कि दिन में कम से कम, मतलब थोड़े समय के लिए क्यों ना हो, खेलना चाहिए। खेल से हम लोग क्या बनते हैं, एक्टिव बनते हैं, सक्रिय बनते हैं। सक्रिय बनते यानी एक्टिव बनते हैं, कोई भी चीज में आलस्य नहीं करते। खेल बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि खेलों में नियमित रूप से शामिल होने वाला व्यक्ति शरीर से और मेंटली, फिजिकली और मेंटली फिट होते हैं। तो इसलिए बच्चों, दिन में कम से कम भी समय या ज्यादा से ज्यादा समय आपको खेलना। लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपको दिन भर खेलते ही रहना है, पढ़ाई नहीं करना, ऐसा नहीं बोला गया। आपको पढ़ाई भी करनी है, खेलना भी है। और जितना हो सके मोबाइल गेम, जो इलेक्ट्रिक गेम होते हैं, ये आपको नहीं खेलना चाहिए। इन गेम्स की वजह से आपके आंखों पर दुष्परिणाम हो सकता है। तो ऐसे गेम ना खेले, आप ज्यादा से ज्यादा आउटडोर गेम खेलने का प्रयास करें। तो चलिए इस पाठ को हम शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ का जो नाम है ओलंपिक खेल। प्रस्तुत पाठ में जो है लेखक ने जो है आपको अनुशासन और परस्पर सद्भाव पैदा करना चाहते हैं। उन्होंने खिलाड़ियों की प्रतिभा एवं शक्ति का विकास करने की प्रेरणा दी है। इसके अतिरिक्त से बताना चाहते हैं कि ओलंपिक खेल विश्व के सभी देशों को एक दूसरे के करीब लाकर उनमें अनुशासन और आपसी सद्भाव बढ़ाते हैं। अब ऐसा है कि मैंने आपको बताया, ये पूरे विश्व में, ये पूरे दुनिया में खेला जाने वाला खेल है, और इस खेल में जो है सभी देशों के लोग इसमें शामिल होते हैं, इसमें सहभाग लेते हैं। तो इन खेलों में जो होता है, मतलब पूरी दुनिया में प्रथम क्रमांक आता है। अब ऐसा होता है जैसे कॉन्टिनेंट खंड में खेलता है, जैसे एशिया में खेलता है, तो वो एशिया में फर्स्ट आएगा, पूरी दुनिया में तो फर्स्ट नहीं आएगा ना। तो लेकिन ओलंपिक जब खेल खेला जाता है, इसमें जो फर्स्ट आता है तो वो पूरी दुनिया में फर्स्ट आता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण खेल मान है। तो चलिए इस पाठ को शुरू करते समय, पहले इस पाठ को मैं पढ़ के सुनाऊंगी। मनुष्य के शारीरिक तथा मानसिक विकास के लिए भोजन और शिक्षा के साथ साथ खेलकूद भी अत्यंत आवश्यक है। खेलों से बच्चों का मनोरंजन होने के साथ साथ अनुशासन और परस्पर सद्भाव पैदा होता है। ओलंपिक खेलों का भी यह भी उद्देश्य है कि खिलाड़ियों में छिपी प्रतिभा एवं शक्ति का विकास हो, विश्व के समस्त देश एक दूसरे को निकट आए और उनमें आपसी सद्भाव बढ़े। मनुष्य की शारीरिक तथा मानसिक, शारीरिक और मानसिक यानी फिजिकली और मेंटली, शारीरिक और मानसिक यानी फिजिकली मेंटली के साथ साथ भोजन और शिक्षा के साथ साथ खेलकूद भी आवश्यक है। जैसे शरीर को होता है भोजन की आवश्यकता होती है, पढ़ाई भी हम लोग करते हैं, लेकिन इनके साथ साथ खेल का भी बहुत ज्यादा महत्व है। खेल से बच्चों का मनोरंजन होता है, मनोरंजन वो एंटरटेन हो जाते हैं, बच्चे खुश हो जाते हैं, तो उनका मन जो होता है, अगर हम खेलकूद के फिर अभ्यास शिक्षा प्राप्त करेंगे या फिर स्टडी करने के लिए बैठ जाएंगे तो हमारे मन में खुशी रहती है। लेकिन हम दिन भर स्टडी 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 करते ही रहेंगे तो तब भी हमारा मन उब जाता है। मतलब कोई चीज हम बार 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 करते हैं तो उससे हमारा मन उब जाता है। अब बार बार खेल खेल भी खेलेंगे तो हमारा मन उससे उब जाता है। अभी आप भी देखो, कभी कोई गेम खेल रहे, एक ही गेम आप बार बार नहीं खेलते क्योंकि आप उससे उब जाते हो। आप क्या करते, पहले कोई गेम खेलते हैं, दूसरे दिन कोई दूसरा गेम खेलते हैं, तो आप भी किसी एक ही चीज के बाद बार बार उब जाते। तो मनुष्य को भी कोई एक ही चीज रोज उठना वही करना, रोज उठना वही करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मनुष्य को भी एक्टिव रहना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए, हर चीज में वो सक्रिय होना चाहिए। उसको शिक्षा भी प्राप्त करनी है, उसको खेलना भी है, उसको मनोरंजन भी करके लेना है। ये कौन कर सकता है, ये मनुष्य स्वयं खुद करना चाहता है तो तभी यह पॉसिबल है, तभी वो कर सकता है। तो मनुष्य के शारीरिक तथा मानसिक विकास के लिए भोजन और शिक्षा के साथ साथ खेलकूद भी अत्यंत आवश्यक है। खेलों से बच्चों का मनोरंजन होने के साथ साथ अनुशासन और परस्पर सद्भाव पैदा होता है। अब ऐसा नहीं है कि खेल खेलने से सिर्फ हमें मनोरंजन होता है, हम खुश हो जाते हैं। तो प्रस्तुत जो खेल से जो होता है हमें अनुशासन, अनुशासन यानी नियमों का पालन, और सद्भाव, सद्भाव यानी अच्छा भाव, दया भाव। अब मुझे बताओ, अभी आप बोलोगे कि मैडम अनुशासन से हमें क्या नियम मिलता है,
अनुशासन से क्या नियम था। अब देखो जब हम कोई खेल खेलते हैं तो खेल में बहुत सारे रूल्स होते हैं, वो रूल्स को हमें फॉलो करना होता है। अगर वो रूल्स को हम फॉलो करेंगे तो वो तभी अच्छी गेम खेली जाएगी, अगर उस रूल्स को हम फॉलो नहीं करेंगे तो हम वो गेम अच्छे से नहीं खेल रहे, है ना। तो आपको कोई उसमें पार्टिसिपेट भी करने के लिए नहीं देगा कि आप उस रूल्स को मतलब फॉलो नहीं कर रहे हो। तो जब भी हम कोई खेल खेलते उसमें कोई ना कोई रूल्स होता है तो हम उस रूल्स को हम फॉलो करने लगते हैं, तो इससे हम क्या हो जाते हैं, एक नियमों का पालन करने वाले व्यक्ति हम बन जाते हैं। तो रोजमर्रा की जिंदगी में उसका इस्तेमाल करता है। एक व्यक्ति जब नियमों का पालन करना शुरू कर देता है तो उसके साथ हर एक वस्तु में हर एक चीज वगैरह उसके जीवन में कोई भी व्यथा हो कोई भी परेशानियां हो तो उसे आसानी से हल कर सकता है। तो खेलों से क्या होता है, व्यक्ति अनुशासन वाला बनने लगता है, मतलब नियमों का पालन करने वाला बनता है। सद्भाव, सद्भाव यानी दूसरे के प्रति दया होना चाहिए, दूसरे के प्रति दया भाव निर्माण होता है। अभी ऐसा होता है कि खेल में हम जब दो ग्रुप में हम जब कोई खेल खेल रहे तो उसमें कोई नियम होते हैं, जैसे कबड्डी हम खेल रहे तो मानो तो जो बीच की लाइन होती है उसको टच करके ही हमें वापस आना होता है। तो ये नियम हमें पता है, अगर हम उसको टच करेंगे तभी हम जीतेंगे, अगर हम उसको टच करेंगे तो हम जीतेंगे क्या नहीं जीतेंगे मतलब वहां पे जाके। तो ये जो नियम है पता है इसको हम फॉलो करना ही होता है, तो इससे हम क्या मतलब नियमवादी बनने लगते हैं। सद्भाव यानी दूसरे के प्रति दया भी होती है। जब कोई खेल खेल रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप में खेल खेलते हैं, कभी सिंगल खेलते हैं। अगर कोई ग्रुप में खेल खेल रहा है तो अपने वाले व्यक्ति को कुछ तकलीफ हो तो उसकी परेशानी हमें भी महसूस होती है, उसका दर्द हमें भी महसूस होने लगता है कि मेरे खिलाड़ियों के साथ ऐसा हो गया या मेरे सहयोगी के साथ ऐसा हो गया, तो एक दया भाव हमारे मन में निर्माण होती है। तो खेल से अनुशासन और सद्भाव भी निर्माण होता है। ओलंपिक खेलों का भी यही उद्देश्य है कि खिलाड़ियों में छिपी प्रतिभा एवं शक्ति का विकास हो। प्रतिभा यानी उसमें जो भी कला है उसका विकास होने लगता है। जब एक कोई व्यक्ति बार बार प्रैक्टिस करने लगता है तो उसमें वो तज्ञ हो जाता है, उसमें वो होशियार होने जाता है, तो उसकी जो प्रतिभा उसमें जो छिपी होती है वो उसका विकास होने लगता है, उसकी शक्ति का भी विकास होने लगता है। विश्व के समस्त देश एक दूसरे के निकट आए और उनमें अपनी आपसी सद्भाव बढ़ाए। अब ऐसा है कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, तो ये जो ओलंपिक खेल के द्वारा विश्व के सभी लोग इकट्ठा आते हैं, मतलब जो खिलाड़ी है सभी लोग इकट्ठा आते हैं और आपसी सद्भाव बढ़ता है, मतलब आपस में अच्छा भाव दया भाव बढ़ता है। अब ये भी बात याद रखिए, जब खेल हम कोई खेल खेल रहे उसमें हार हो या जीत हो तो हमें जब जीत होती है तो हमें खुशी तो होती है, लेकिन हार होने के बाद भी हमें उदास नहीं होना चाहिए, नाराज नहीं होना चाहिए, बल्कि ये होना चाहिए कि हमने कोशिश की है, हमने खेला है, ये उमंग हमारे मन में होनी चाहिए, खुशी हमारे में होनी चाहिए, और जो जीत गया उनको हमें बधाई भी देनी आनी चाहिए। अब आप लोग क्रिकेट वगैरह मैच देखते होंगे तो इस मैच में जो होता है जब खेलते हैं तो आने के पहले एक दूसरे को हाथ मिलाते हैं। अभी आप जैसे अभी आईपीएल चल रहा है तो इस मैच को शुरू होने के पहले जो दो टीमों में खेल खेला जा रहा है तो वो लोग क्या करते हैं, आपस में पहले हाथ मिलाते हैं, दोनों का राष्ट्रगान गाया जाता है। तो ये क्या हो रहा है, ये सद्भाव ही हो रहा है ना, आपस में सद्भाव ही हो रहा है, दया भाव हो रहा है, आपस में मेल मिलाप हो रहा है, लोगों का एक दूसरे के प्रति आदर हो रहा है, वो मतलब एक दूसरे को हाथ मिला रहे, बधाई दे रहे कि अच्छा खेलने के लिए। खेल होने के बाद वो वहां पे लड़ते नहीं है, खेल होने के बाद जो हारा है और जो जीती हुई टीम वो उनको बधाई देते हैं। क्या करते हैं वो हारने के बाद भी ऐसा नहीं कि हम हार गए मतलब रोते बैठते या वहां उनको बधाई नहीं देते, तो वो हारने के बाद भी उनको बधाई देते कि उन्होंने अच्छा खेला। तो इस तरह की भावना हमारे मन में होनी चाहिए। तो ओलंपिक खेल का भी यही उद्देश्य है कि आपस में सद्भाव होनी चाहिए और लोग आपस में इकट्ठा आए। जब कोई खेल खेल रहे थे तभी सभी लोग इकट्ठा होंगे ना, कोई खेल ही नहीं खेला जा रहा तो कोई लोग आपस में इकट्ठा नहीं होंगे। तो प्रस्तुत पाठ से जो लेखक हमें यही बताना चाहते हैं कि ओलंपिक खेल का भी यही उद्देश्य है कि खिलाड़ियों में छिपी प्रतिभा और शक्ति का विकास होना चाहिए। विश्व के समस्त देश एक दूसरे के निकट, निकट यानी करीब आना चाहिए और उनमें आपसी सद्भाव बढ़ना चाहिए। ईसा लगभग 1200 वर्ष पूर्व यूनान के ओलंपिक नामक स्थान पर ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया। इस खेल के जन्मदाता हरक्यूलस थे। उस समय ओलंपिक खेलों में दौड़ कूद, रथ दौड़, भाला फेंक, कुश्ती, मुक्केबाजी आदि प्रतियोगिताएं होती थी। उस समय भी इन खेलों में होने वाली प्रतियोगिताओं में
प्रतियोगिताओं में से सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को चुनकर उन्हें बैरन पियरे द कुबर्टिन फ्रांस के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री चुनकर उन्हें पुरस्कार दिया जाता था। देखिए इस खेल की शुरुआत, इस ओलंपिक नामक खेल की शुरुआत कब हुई? तो इस खेल की शुरुआत कब हुई? ईसा लगभग 1200 वर्ष पूर्व, ईसा से लगभग 1200 वर्ष। देखिए तो ये खेल कितना पुराना है, इस खेल का आयोजन कितने सालों से होता रहा है। तो 1200 वर्ष पूर्व यूनान के ओलंपिक नामक स्थान पर ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था। सर्वप्रथम इस खेल का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यूनान के ओलंपिक नामक स्थान पर, ओलंपिक नामक स्थान पर मतलब जहां इस खेल का आयोजन किया गया था उस गांव का, उस जगह का नाम क्या था? ओलंपिक। तो उसी वजह से जहां पे इस खेल का आयोजन किया गया तो उसी जगह के वजह से इसका नाम ओलंपिक रखा गया। ये बात याद रखिए कि ओलंपिक खेल का नाम ओलंपिक क्यों रखा गया। जैसे हमने पिछली बार सिखा में पढ़ा था कि आबू पर्वत, आबू पर्वत का नाम आबू क्यों रखा गया? क्योंकि वहां की अर्बुदा देवी के नाम के ऊपर से वो उसका नाम आबू पर्वत रखा गया। तो ओलंपिक खेल का नाम ओलंपिक क्यों रखा गया? क्योंकि सर्वप्रथम इस खेल का आयोजन ओलंपिक नामक स्थान पर हुआ गया था, इसलिए ओलंपिक खेल का नाम ओलंपिक रखा गया है। सर्वप्रथम यूनान के ओलंपिक नामक स्थान पर ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था। इस खेल के जन्मदाता मतलब इस खेल का निर्माण करने वाले कौन थे? हरक्यूलिस। जन्मदाता यानी निर्माता, तो इस खेल का नियोजन करने वाले, इसका आयोजन करने वाले जन्मदाता कौन थे? हरक्यूलिस थे। उस समय खेलों में जब ये खेल का आयोजन किया गया तो कोई एक ही खेल खेला नहीं जाता था, इसमें बहुत सारे खेलों का शामिल किया जाता था, जैसे दौड़ कूद, रथ दौड़, भाला फेंक, कुश्ती, मुक्केबाजी आदि प्रतियोगिताएं होती थी। प्रतियोगिताएं यानी स्पर्धा, कंपटीशन। प्रतियोगिताएं मतलब स्पर्धा, कंपटीशन। पहले कम, बहुत सारे कम खेलों का इसमें मतलब शामिल किया गया था, लेकिन आज इसमें बहुत ज्यादा खेलों का इसमें शामिल किया गया है। उस समय भी इन खेलों में होने वाली प्रतियोगिताओं में से सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को चुनकर उन्हें पुरस्कार दिया जाता था। पुरस्कार देना यानी प्राइज देना, इनाम देना। इसके तीन इनाम होते हैं, प्रथम क्रमांक, द्वितीय क्रमांक, तृतीय क्रमांक। तो इस प्रकार के इसके इनाम होते हैं। तो जब भी, जब पहले भी इसको सर्वप्रथम आयोजन किया गया तो उन स्पर्धाओं में से जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होता है उनको चुनकर उनको इनाम दिया जाता है। बैरन पियरे द कुबर्टिन फ्रांस के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे। अब देखिए फ्रांस के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री का नाम क्या था? बैरन पियरे द कुबर्टिन। ये थोड़ा प्रोनाउंसिएशन के लिए आपको हार्ड लगेगा, लेकिन आपको ये नाम याद रखिए। फ्रांस के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री का नाम क्या था? बैरन पियरे द कुबर्टिन। उनका मानना था कि शारीरिक और मानसिक विकास एक ही सिक्के के दो पहलू है। किसका मानना यह था कि शारीरिक और मानसिक विकास एक ही सिक्के के दो पहलू है? तो बैरन पियरे द कुबर्टिन का मानना था कि शारीरिक और मानसिक विकास एक ही सिक्के के दो पहलू है। एक ही सिक्के के दो पहले का इसका इसका अर्थ बताइए। तो इसका अर्थ क्या है? एक ही सिक्के के दो पहले विपरीत हुए भी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू मतलब अगर हमने कोई कॉइन लिया तो कॉइन होता है इसका एक साइड होता है हेड एंड टेल, ये दोनों अपोजिट है ना। हेड और हेड के अपोजिट कौन है? टेल। टेल के अपोजिट कौन है? हेड। ये दोनों विपरीत है लेकिन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। तो इस प्रकार शारीरिक, ये हमारा शरीर होता है, फिजिकली होता है, मानसिक यानी मेंटली, ये दोनों अपोजिट है लेकिन ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसी का अर्थ होता है एक ही सिक्के के दो पहलू। सिक्का एक ही होता है लेकिन उसके दो पहलू ने मतलब वो दोनों अपोजिट है लेकिन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसी प्रकार शारीरिक और मानसिक ये दोनों अपोजिट है विलोम है लेकिन ये दोनों एक एक साथ जुड़े हुए हैं। शारीरिक विकास के साथ मानसिक विकास होना भी जरूरी है, मानसिक विकास के साथ शारीरिक विकास भी होना जरूरी है। अगर इन दोनों का विकास होगा तभी आप स्वस्थ कहलाएंगे। अगर इन दोनों में से कोई एक की कमी है तो आप स्वस्थ व्यक्ति नहीं कहलाएंगे। तो शारीरिक और मानसिक विकास एक ही सिक्के के दो पहलू है। इसी उद्देश्य से सन 1888 में उन्होंने एकवी संस्था की स्थापना की।
उन्होंने यानी किसने, बैरन पियरे द कुबर्टिन, बैरन पियरे कुबर्टिन ने 1888 में एक्विल संस्था की स्थापना की। इनका प्रमुख कार्य फ्रांस के विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देना। इन्होंने जो संस्था की स्थापना की, संस्था का नाम क्या था, एक्विल संस्था। तो इस संस्था का मतलब निर्माण करने का उद्देश्य क्या था कि जो छात्र होते हैं स्कूल आते हैं बस पढ़ाई करते जाते हैं, तो उसका सिर्फ मानसिक विकास हो रहा है बच्चों का, शारीरिक विकास नहीं हो रहा। तो क्या है, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी होना जरूरी है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, फ्रांस के विद्यालयों में यानी उनके स्कूलों में शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा दिया। उनके मन में यह योजना थी कि सभी देशों के खिलाड़ी एक स्थान पर एकत्रित हो और विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में भाग लें। सभी देशों को उनकी बात पसंद आई और इस अंतर्राष्ट्रीय खेल को पुनः शुरू किया गया। अब जब इस खेल को, जब ओलंपिक खेल को शुरू किया गया था, वो ज्यादा दिन तक नहीं चला, बीच में कुछ दिन उस खेल को बंद किया गया। लेकिन जब जो बैरन पियरे द कुबर्टिन थे, इनको बाद में एहसास हुआ कि बच्चों के लिए, सो विद्यार्थियों के लिए शारीरिक विकास के साथ मानसिक विकास भी होना जरूरी है, तब उन्होंने फ्रांस के विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा को देना शुरू कर दिया। और इनकी बात अन्य देशों को भी अच्छी लगी, तो अन्य देशों ने भी अपने विद्यालयों में मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास करने के लिए खेलों को स्कूल में भी शामिल कर दिया। पहले ओलंपिक खेल का आयोजन 1896 में एथेंस में आयोजित किया गया। देखिए, सबसे पहले जो जो इसके जन्मदाता थे हरक्यूलिस, इन्होंने इस खेल की शुरुआत की। उन्होंने कब शुरुआत की थी, 1200 वर्ष पहले यूनान में की थी, लेकिन वो कुछ दिन के लिए खेला गया, बाद में ये खेल बंद हो गया। लेकिन बाद में बैरन पियर कुबर्टिन ने एक्विल संस्था की स्थापना की। उन्होंने लोगों को बताया कि किस तरह से विद्यार्थी को, किस प्रकार मनुष्य को शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फिर सभी स्कूलों में भी इन खेलों की शुरुआत होने लगी। पहला ओलंपिक खेल का आयोजन सन 1896 में एथेंस में आयोजित किया गया। देखिए, पहले ओलंपिक खेल का आयोजन 1896 में एथेंस में आयोजित किया गया। इसमें विभिन्न देशों के खिलाड़ी आए। इसमें दौड़, साइकिल दौड़, लॉन टेनिस, तैराकी, निशानेबाजी, कुश्ती, भारत तोलन आदि खेलों को शामिल किया गया। ओलंपिक खेल हर 4 साल के बाद आयोजित किए जाते हैं। ओलंपिक खेल आरंभ होने पर मशाल जलाई जाती है। अभी देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि पहला ओलंपिक खेल जो है आयोजन किया गया, कब आयोजन किया गया, इसकी जो है जन्मदाता, जो मैंने आपको पहले बताया था 1200 वर्ष, इसका जो है तब वो जन्म हुआ था, तब इसका आयोजन किया गया था, तभी भी खेल खेला गया था। तो इसके जो जन्मदाता थे हरक्यूलिस, इन्होंने सबसे पहले प्रथम आयोजक ईसा के समय में, मतलब ईसा से लगभग 1200 वर्ष पूर्व यूनान में इसका आयोजन किया गया था। तब इसके जन्मदाता थे हरक्यूलिस। बाद में इस खेल को बंद किया गया, लेकिन बाद में जब सबको समझ में आ गया कि कितना जरूरी है कि खेल का महत्व और रोजमर्रा की जिंदगी में बच्चों के लिए, तब इस खेल को पुनः एक बार शुरू किया। फिर तब से और भी पहला खेल बोलकर इसको संबोधित किया गया। तो पहला ओलंपिक का खेल का आयोजन सन 1896 में एथेंस में आयोजित किया गया। जब इस खेल का शुरुआत किया गया, तो इस खेल में कौन कौन से स्पर्धाओं को शामिल किया गया, तो इसमें दौड़ यानी रेस, साइकिल दौड़, लॉन टेनिस, तैराकी यानी स्विमिंग, निशानेबाजी, कुश्ती, भारोत्तोलन आदि खेलों को शामिल किया गया, जैसे शूटिंग वगैरह, ये सारे भी गेम इसमें शामिल किए गए। ओलंपिक खेल हर 4 साल बाद आयोजित किए जाते हैं। ये बात महत्वपूर्ण है कि जो खेल है हर साल आयोजित नहीं किया जाता, तो इस खेल की जो आयोजन जो है हर 4 साल में एक बार इस खेल का आयोजन किया जाता है। और इस खेल का जब आयोजन किया जाता है तो एक ही देश में आयोजन नहीं किया जाता, हर बार हर 4 साल बाद इस देश का, मतलब जब आयोजन किया जाता है तो हर बार उस देश को, उस शहर को बदला जाता है।
ओलंपिक खेल हर 4 साल के बाद आयोजित किए जाते हैं। ओलंपिक खेल आरंभ होने पर मशाल जलाई जाती है। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि जब इस गेम की शुरुआत होती है तब क्या जलाई जाती है, मशाल। मशाल में पता होगा कि जिसमें आग जलाया जाता है, एक लंबा सा लकड़ी का होता है या आयन का होता है, उसमें आग जलाई जाती है, तो मशाल जलाई जाती है। यह मशाल खेलों के समाप्त होने तक जलती रहती है। ये बात है कि मशाल कब तक जलती रहती है, खेलों के समाप्त होने तक वो मशाल जलती ही रहती है। इन खेलों में जो खिलाड़ी विजयी होते हैं उन्हें स्वर्ण रजत और कांस्य पदक, जो प्रथम होता है उनको स्वर्ण पदक मिलता है, जो दूसरा आता है द्वितीय उसको रजत पदक मिलता है, जो तृतीय आता है, जो तीसरा आता है उसको कांस्य पदक से पुरस्कार में दिए जाते हैं। ओलंपिक खेल के जन्मदाता पियरे ने सन 1901 में ओलंपिक समिति की पेरिस कांग्रेस को ओलंपिक ध्वज भेंट किया था। अब यहाँ पे मुझे आप बोलोगे, टीचर आप दो बार जन्मदाता बोल रहे हो। इसके जो जन्मदाता है वो हर्क्यूलिस है, लेकिन उन्होंने जब शुरू किया था बाद में उन्होंने बंद किया, लेकिन उसको फिर से शुरुआत किसने किया, डैरन पियर दे कुबर्टिन। इन्होंने बाद में इसको सब तरफ फैला दिया। इन्होंने जो किया था उतना मतलब जो हर्क्यूलिस ने किया था वो उतने सीमित ही उतने जगह में ही किया था, लेकिन पूरे विश्व को किसने शामिल किया है, डैरन पियर दे कुबर्टिन ने इनमें। जब इन्होंने जिस ओलंपिक को शुरुआत किया इन्होंने पूरे विश्व के देशों को इसमें शामिल किया गया। ओलंपिक खेल के जन्मदाता पियरे ने सन 1901 में ओलंपिक समिति की पेरिस कांग्रेस को ओलंपिक ध्वज भेंट किया था। जैसे मैंने आपको बताया था ओलंपिक का जो ध्वज होता है, ये जो ओलंपिक ध्वज ये किसने किसको भेंट की है, ये पियरे ने भेंट की है। किसको? पेरिस कांग्रेस को ओलंपिक ध्वज की भेंट की है। इस ध्वज का भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें ये कलर क्यों दिए गए, उसने ऐसे गोले क्यों बनाए गए। ये 5 गोले यानी 5 खंड है, दुनिया में जो 5 खंड है, जो दुनिया में जो 5 कॉन्टिनेंट है, ये उन 5 कॉन्टिनेंट को दर्शाता है। यह सोचकर उन्होंने इस जो ध्वज है इसका रचना की थी। आज भी इस ध्वज की पृष्ठभूमि सफेद है। इसमें एक दूसरे में गुंथे हुए 5 गोले हैं। प्रत्येक गोला एक एक महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। महाद्वीप, वही मैंने जो खंड बताया उसी को महाद्वीप कहते हैं। जो हर एक जो मतलब गोला है ये हर एक महाद्वीप को दर्शाता है, हर एक कॉन्टिनेंट को दर्शाता है। तो अभी नीला जो है, पहला जो नीला, तो जो नीला है कौन से महाद्वीप को दर्शाता है, तो पहला जो नीला है ये ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है। जो पहला नीला है ये कौन से महाद्वीप को दर्शाता है, ऑस्ट्रेलिया। जो दूसरा काला है ये काला कौन से महाद्वीप को दर्शाता है, तो ये अफ्रीका को दर्शाता है। तीसरा लाल, तो लाल जो गोला है ये कौन से महाद्वीप को दर्शाता है, तो लाल जो है ये अमेरिका महाद्वीप को दर्शाता है। चौथा जो है एशिया, जो पीला रंग का जो गोला है ये एशिया महाद्वीप को दर्शाता है। और जो आखिरी है, जो 5वां गोला है, ये यूरोप महाद्वीप को दर्शाता है। तो ये बात याद रखिए कि ये 4-5 गोले क्यों दिए गए, क्यों इसकी रचना ऐसे की गई, क्यों ये एक दूसरे में गुंथे। और ये जो गोलों का एक दूसरे में गुंथना, मतलब ये जो गोले अलग अलग नहीं बताया उन्होंने, एक दूसरे में इन्होंने क्या कहा, इनको ज्वाइन किया गया। इसका अर्थ होता है कि आपस में सद्भाव होना चाहिए, आपस में मिलान होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति प्रेम होना चाहिए, इसका अर्थ ये होता है। इस तरह से जो गोले एक दूसरे में जुड़े हुए, तो जो प्रतियोगी तो होता है, जो मनुष्य होता है, इस प्रकार एक दूसरे में जुड़े रहे इस खेल द्वारा, इस खेल यानी ओलंपिक खेल द्वारा। The 5 interlocking rings of the Olympic flag symbolize the 5 continents of the world linked together in friendship. जो ओलंपिक खेल में मैंने आपको बताया था, आज हमने ओलंपिक खेल का देखा था, लेकिन इस खेल का मैंने आपको बताया कि इसके जो जन्मदाता है हर्क्यूलिस है, इन्होंने इस खेल की शुरुआत 1200 वर्ष पहले की थी, लेकिन ये खेल आगे तक नहीं चला, ये वहीं पे कुछ समाप्त हो गया। बाद में इस सभी लोगों को, बाद में जो डैरन पियर कुबर्टिन थे, इनको एहसास हो गया कि व्यक्ति को
यह विद्यार्थियों को मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास की भी कितनी ज्यादा जरूरी है। फिर उन्होंने फ्रांस के स्कूल में इसको मतलब शारीरिक विकास की शिक्षा देनी शुरू की। ये सारे अंतर्राष्ट्रीय देशों को इसकी बात समझ में, तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मतलब इंटरनेशनल लेवल पे भी इन खेलों को शामिल किया गया। फिर से ओलंपिक खेल की शुरुआत हो गई। फिर पहला ओलंपिक खेल आयोजित किया गया। पहला ओलंपिक खेल कहाँ पे आयोजित किया गया? एथेंस में आयोजित किया गया। बाद में जो पीएरे ने पेरिस कांग्रेस को इस फ्लैग का भी फ्लैग का रचना करके उन्हें दे दी। लेकिन इस फ्लैग में पांच गोले हैं, पांच गोले के पांच अलग रंग है। उन पांच गोलों का अर्थ क्या है? तो ये जो दुनिया में पांच महाद्वीप है, पांच जो कॉन्टिनेंट है, उनको ये पांच गोले दर्शाते हैं। उनको पांच गोले को पांच अलग रंग दिए गए, तो उसका कलर का भी अलग अलग महत्व है। और सबने बात यह है कि इस जो गोला जो दिया है, इसके पार्श्वभूमि मतलब इसका जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट कलर होता है, वो पीस को दर्शाता है, वो शांति को दर्शाता है। इसका ये जो महत्व इस मतलब इस ध्वज का है, तो इस पाठ को आपको पुनः एक बार पढ़ना है। साथ ही साथ ओलंपिक खेल की जो जानकारी है इसको आपको हासिल करनी है। 2020 का ओलंपिक खेल था वो कहाँ था ये आपको जानना है। इस साल 2020 में भी ओलंपिक खेल का आयोजन होने वाला था, लेकिन इस साल नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ और जो पिछला ओलंपिक खेल था वो कहाँ पे हुआ था, ये सारी जानकारी आपको हासिल करनी है। साथ ही साथ इस पाठ को पुनः एक बार पढ़ना है। धन्यवाद।